हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में एक नई रोम लेके आया हूँ, पोको के M2 प्रो में। गाइस ये रोम का नाम है प्रोजेक्ट साकुरा, और गाइस ये आपको इनिशियल बिल्ड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कुछ फीचर्स हमें इस रोम में देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस एंड्रॉइड वर्जन 11 का सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइस जो सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है 5 जनवरी का देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइस मैंने इसके साथ कस्टम कर्नल इंस्टॉल कर रखा है, जो कि 4.14.213 यूकी कर्नल देखने को मिलता है, जो कि 9 जनवरी का बिल्ड है उसे इंस्टॉल कर रखा है इसके साथ में। और देखेंगे रोम और कर्नल का क्या कुछ परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले रोम का फीचर्स देखेंगे क्या कुछ हमें रोम में देखने को मिलता है। उसके बाद गाइस मैं आपको बेंचमार्क स्कोर दिखा दूंगा और गाइस पबजी टेस्ट भी कर देंगे, रोम और कर्नल दोनों का ही परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे हम सिस्टम में देखेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हो आपको सिस्टम प्रोफाइल्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको 3 प्रोफाइल प्रीसेट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे गाइस दूसरा ऑप्शन आपको स्टेटस बार का देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको स्टेटस बार के रिगार्डिंग सेटिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस सिक्योरिटी की बात करूँ तो आपको देखने को मिलता है फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट, और गाइस यहाँ पे ऐप लॉकर का सपोर्ट मिसिंग देखने को मिलता है। लेकिन गाइस ये दोनों भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती। ये दोनों भी आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सेंसर पे फिंगर रखता हूँ तो ये अनलॉक हो जाता है और काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। फेस अनलॉक भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, वो भी मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब गाइस यहाँ पे हम देखेंगे क्या कुछ फीचर्स हमें रोम में देखने को मिलते। यहाँ पे आपको कैमरा गो का सपोर्ट प्री इंस्टॉल्ड रोम के साथ ही देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको 4 मोड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस ऊपर की तरफ में आपको सेटिंग का टैब देखने को मिल जाए, यहाँ पे हर एक मोड में आपको सेटिंग देखने को मिल जाए। कैमरा एप्लीकेशन काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, सभी मोड कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे गाइस आपको ऑडियो इफेक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि एक तरह का इक्वलाइजर आपको प्री इंस्टॉल्ड इस रोम के साथ ही देखने को मिलता है। जी एप्स मैंने बाहर से इंस्टॉल किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने निक जी एप्स का यूज़ किया। तो गाइस आप चाहिए तो ओपन जी एप्स का भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे गाइस आपको सेफ्टी नेट फीचर की बात करूँ तो ये आपको लाइव टेस्ट करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फेल देखने को मिलता है। DRM इन्फो की बात करते हो वाइड वन L3 का सपोर्ट देखने को मिलता है, और गाइस बेंचमार्क टेस्ट मैंने ऑलरेडी कर रखा है, जो स्कोर है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 269,000 का स्कोर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी डिसेंट सा परफॉर्मेंस देता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। रोम का एनिमेशन और गाइस यहाँ पे जो इसका ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी अच्छा, बैटरी ड्रेनेज का इशू भी आपको देखने को नहीं मिलता, बैटरी ऑप्टिमाइज है और काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, और गाइस इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइस हम जाएंगे इसके सेटिंग की तरफ में और देखेंगे कस्टमाइजेशन का क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कोई भी कस्टमाइजेशन का एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। ऊपर साइड में नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सकुरा कॉन्फिक्स का, जहाँ पे भी आपको कई सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन आपको अबाउट प्रोजेक्ट का देखने को मिल जाए, जहाँ पे आपको रोम के बारे में और भी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे गाइस दूसरा ऑप्शन आपको इंटरफेस का देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको ट्रैफिक इंडिकेटर्स, वन यूआई सेटिंग, वोल्टी आइकन्स वगैरह आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे गाइस दूसरा ऑप्शन आपको एनिमेशन का देखने को मिल जाए, जहाँ पे आपको एनिमेशन के रिगार्डिंग सभी सेटिंग देखने को मिले। स्क्रीन ऑफ एनिमेशन में आप देख सकते हो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, CRT और स्केल का, ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। क्विक सेटिंग ऑप्शन में भी आप देख सकते हो कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। चौथा सेटिंग आपको लॉक स्क्रीन का देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन, चार्जिंग इन्फो, पावर मेन्यू और सिक्योर पावर मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस अगला ऑप्शन आपको गेस्चर का देखने को मिल जाए, जहाँ पे आपको 3 फिंगर गेस्चर का ऑप्शन देखने को मिलता है, और गाइस इन्वर्ट लेआउट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस नीचे आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको हेडसअप नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे हॉरिजॉन लाइट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में वर्क करता है। मिशीलेस में आप देख सकते हो आपको स्क्रीनशॉट साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा, और गेमिंग मोड का सपोर्ट देंगे, यहाँ से आप गेमिंग मोड टर्न ऑफ कर सकते हो और ऑन भी कर सकते हो, ये भी मोड आपको इसमें देखने को मिलता है। लास्ट ऑप्शन आपको सकुरा OT अपडेट्स का देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम अपडेट पे आप चेक करोगे तो ये 9 जनवरी का बिल्ड है, तो अभी तक कोई नया बिल्ड देखने को नहीं मिले। अब गाइस यहाँ पे हम करेंगे पबजी टेस्ट और देखेंगे पबजी में हमें क्या कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पबजी गेम लोड हो चुका है, हम जाएंगे इसके सेटिंग पे। तो गाइस मैंने इसमें कॉन्फिग की फाइल डाल रखी है, क्योंकि मैंने इस पर कस्टम कर्नल फ्लैश किया, तो मैं कॉन्फिग की फाइल डाल इसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि जो हमें सेटिंग्स देखने को मिलता है उससे हम इंक्रीज कर देंगे तो उसमें हमें कुछ लैग वगैरह देखने को मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो मैंने कॉन्फिग की फाइल डाल रखा है, उसमें 90 FPS तक का सपोर्ट है, लेकिन हमारा डिवाइस 90 FPS तक सपोर्ट नहीं करता जो हमारा स्क्रीन है, तो हमें एक्सट्रीम पे ही खेलना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऊपर FPS काउंटर भी एनेबल कर रखा है। तो हम जाएंगे स्मूथ और एक्सट्रीम सेटिंग में और गेम प्ले करेंगे, देखेंगे हमें कुछ लैग वगैरह देखने को मिलता है कि नहीं और किस तरह का हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। And
तो यहाँ पे आपने देखा काफ़ी अच्छा गेम प्ले हुआ, और गाइस कुछ माइनर लैग आपको देखने को मिलता है क्योंकि कॉन्फ़िग की फाइल मैंने इसलिए डाल रखी थी क्योंकि ये कर्नल पे आपको कोई भी रॉम पे अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिलता है पबजी में, लेकिन गाइस इसके लिए मैंने कॉन्फ़िग की फाइल डाली थी क्योंकि उसमें आपको एक्सट्रीम सेटिंग तक का सपोर्ट देखने को मिलता है, उसमें हम परफॉर्मेंस टेस्ट किए। तो गाइस अब बढ़ते हैं इसके इंस्टॉलेशन के लिए, तो मैं अपना फ़ोन बूट करता हूँ रिकवरी मोड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मेरा डिवाइस बूट हो चुका है रिकवरी मोड में। आपको सबसे पहले अपने सभी चीज़ें वाइप कर लेना, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा, इसे कर दूँगा मैं वाइप। इसके बाद गाइस आपको जो मैं फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वो आपको कॉपी कर लेना अपने माइक्रो एस डी कार्ड में या ओ टी जी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ये फाइल्स देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे ये रॉम मेरा देखने को मिल गाइस एक वैनिला बिल्ड है, इसके लिए आपको जी एफ्स की फाइल अलग से डाउनलोड करनी पड़ी। तो इसे आपको सबसे पहले करना है फ्लैश। ये फ्लैश होने के बाद गाइस आपको अपना फ़ोन बूट कर लेना है, और गाइस सभी चीज़ सेटअप कर लेना है। सेटअप होने के बाद फिर से आपको बूट करना है आपको रिकवरी मोड में, और गाइस जो कर्नल आपको अगर ट्राई करना है यूकी कर्नल 4 जो कि नया बिल्ड आया आपको देखने को मिलता है 9 जनवरी का, अगर उसे आपको इंस्टॉल करना है तो आपको ये कर्नल इसके बाद फ्लैश करना पड़ेगा। और उसके बाद गाइस आपको जी एप्स की फाइल इसके बाद फ्लैश कर लीजिए। तो यहाँ पे गाइस कुछ इस तरह से आपको ये रॉम का इंस्टॉलेशन करना है, अगर आपको कर्नल भी इंस्टॉल करना है तो वो भी मेथड आपको बता दूँ। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अब नए वीडियो में।